फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बताया है कि मैं अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो ये इसके मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं। यहां पे इसमें मैंने लाइन केबल को लगाया है और ये जो है यहां पे न्यूट्रल केबल को लगाया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस पर वोल्टेज आ रहे हैं 221 और ये अभी ऑफ स्टेट में है। तो इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो इसकी पावर LED ऑन हो गई है और ये हमें बता रहा है कि ऑन स्टेट में है। इसकी जो सबसे पहले वाली LED है, सबसे पहले वाला पॉइंट है, वो हमें बताता है कि ओवर वोल्टेज, अगर ये ट्रिप हुआ हो और ये LED ऑन हो तो ये ओवर वोल्टेज की अलामत है, और अगर ये ट्रिप हो और उसके बाद ये वाली LED ऑन हो तो ये अंडर वोल्टेज है कि आपने जो वोल्टेज सेट करके रखी हैं, लेट्स से आपने 170 वोल्ट सेट करके रखे हैं, अगर उससे कम वोल्टेजेस हैं तो ये ट्रिप कर जाएगा और ये LED ऑन होगी, और अगर ओवर करंट की वजह से ट्रिप होगा तो ये LED ऑन होगी। नॉर्मल स्टेट में ये ऑन होता है, तो यहाँ पे आपको ये पावर LED ऑन रहती है और इसका स्टेटस आपको बताती है। तो अभी ये हमें वोल्टेजेस बता रहा है क्योंकि इसके आगे अभी मैंने कोई लोड नहीं लगाया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये 0.0 एम्पेयर शो कर रहा है। अभी मैं इसकी कैलिब्रेशन का तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने सेट बटन को प्रेस करना है, सेट बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो ये कैलिब्रेशन में आ गया है। A1 लिखा हुआ है, A1 से मुराद है कि आपके जो पावर ऑन डिले है कि जब सबसे पहले पावर ऑन होता है तो ये कितने सेकंड के बाद पावर ऑन हो, जैसे ही इसको पावर दी जाए तो कितने सेकंड के बाद ये आगे करंट वगैरह पास करना स्टार्ट कर दे। तो इसको मैंने 5 पे सेट कर दिया है। इसके बाद मैं फिर सेट बटन को प्रेस करूँगा, A2 आएगा, तो A2 के ऊपर इसकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है कि मैक्सिमम कितने वोल्ट हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 250 वोल्ट सेट किए हुए हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास अक्सर 250 के अप्रॉक्स में वोल्टेजेस रहते हैं तो आप 260 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं, लेकिन 260 से ज़्यादा ना सेट करें कि इससे ज़्यादा जो वोल्टेजेस होते हैं वो हमारी अप्लाइंसेस को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं इनको 250 पे सेट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास 250 वोल्ट तक भी एनफ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो अब आ गया A3। A3 पे ये ओवर वोल्टेज की रिकवरी वैल्यू है कि अगर ओवर वोल्टेज, अगर मैंने 250 किया है तो ये ट्रिप कर जाएगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज 245 पे आएंगे तो ये नॉर्मल स्टेट में आके ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये इसका डिले टाइम है कि अगर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो ख़त्म होते हैं तो उसके कितने सेकंड के बाद ये ऑन हो जाए, तो इसको हम 20 के बजाय 10 सेकंड कर देते हैं कि जैसे ही ओवर वोल्टेज ख़त्म हो तो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाए।